और इधर दिल्ली में लूट समेत कई वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मॉडल टाउन में घर के अंदर व्यापारी से लूटपाट, एनएफसी में मेडिकल स्टोर में हुई लूटपाट में इसी गैंग का हाथ था। निजामुद्दीन में पिस्टल के दम पर स्कूटी सवार से स्कूटी लूटने में भी यही गैंग शामिल था और इस गैंग के बदमाश बिजनौर से दिल्ली आकर रात में लूटपाट करते थे और इसके बाद बिजनौर लौट जाते थे। तो तस्वीरें आपको याद होगी, एक परिवार छुट्टियों के बाद घर लौटा था और इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने उनके घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। वही बदमाश पुलिस ने धर दबोचे हैं। मॉडल टाउन और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। अपनी वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग बिजनौर से ही आते थे और वहीं वापस चले जाते थे। दिल्ली में इस तरह से लूटपाट करने का ये नया तौर तरीका सामने आया है, जिसकी धरपकड़ पुलिस ने आखिरकार कर ली है। तो एक बार फिर से आपको बता दें ये अहम खबर, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कामयाबी तो है ही, साथ ही दिल्ली के लोगों के लिए ये राहत की खबर है, क्योंकि लूट समेत कई वारदातों को ये गैंग अंजाम दे चुका था और इसी गैंग को दिल्ली पुलिस ने अपनी सतर्क टीम के जरिए गिरफ्तार किया है। मॉडल टाउन में घर के अंदर व्यापारी से लूटपाट की तस्वीर थी जो सीसीटीवी में कैद हुई थी और वहीं एनएफसी में मेडिकल स्टोर में लूटपाट की वारदात, इन दोनों ही घटनाओं में ये गैंग शामिल था। निजामुद्दीन में भी पिस्टल के दम पर स्कूटी सवार से लूटने का आरोप जो लगा था वो भी इसी गैंग ने ही किया था। इस गैंग के बदमाश बिजनौर से दिल्ली आकर रात में लूटपाट करते थे और इसके बाद बिजनौर लौट जाते थे। तो दो आरोपी इस वक्त आपको तस्वीर में दिख रहे हैं जो कि मुख्य तौर पर इस तरह की घटनाओं में शामिल हुए हैं।